संजय राउत ने भी इसे लेकर बयान दिया है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस प्रेस वार्ता करती है और प्रेस वार्ता करके कहती है कि तीनों दल मिलकर बीजेपी को शिकस्त देंगे, लेकिन संजय राउत की ओर से ये कहा गया है कि महाराष्ट्र में सरकार हम ही बनाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि शरद पवार को जो है अजित पवार को जो है ब्लैकमेल किया गया है। कई एमएलए वापस आए, अजित पवार भी जो है वापस आएंगे, ये कहा गया है संजय राउत की ओर से, और अजित पवार को ब्लैकमेल किया गया, ये तमाम बातें संजय राउत ने कही है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि बेनकाब किया जाएगा जो भी ब्लैकमेलर है। और साथ ही शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने ये जो बड़ा बयान दिया है, इसके बाद तमाम जो सियासी हलचल है वो और ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस प्रेस वार्ता करती है और कांग्रेस कहती है कि तीनों दल मिलकर जो है सरकार बनाएंगे, लेकिन शिवसेना अभी भी पीछे हटने वाली नहीं है। शिवसेना की ओर से, संजय राउत की ओर से कहा जाता है कि सरकार जो है महाराष्ट्र में वही बनाएंगे, अजित पवार को ब्लैकमेल किया गया। थोड़ी देर पहले की अगर हम बात करें तो थोड़ी देर पहले संजय राउत के सुर बिल्कुल अलग थे, वो सीधे तौर पर एलिगेशन लगा रहे थे, सीधे तौर पर अजित पवार को गलत कह रहे थे, लेकिन अब उन्हें लगता है कि अजित पवार को ब्लैकमेल किया गया है। क्या कुछ कहा गया संजय राउत की ओर से, उन्हीं की जुबान आपको सुनवाते हैं। 8 विधायक सुबह राजभवन में अजित पवार के साथ थे, 8 विधायक, उसमें से 5 विधायक वापस आए हैं। उनको झूठ बताकर लेके गया था, कहा एक जगह पे बुलाया, गाड़ी में डालकर उनका किडनैपिंग किया लगभग। उसमें से आधे विधायक अभी मौजूद है, आपने देखे होंगे, 3 तो आपने देखे, वापस 2 आ गए हैं। धनंजय मुंडे का भी संपर्क हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, धनंजय मुंडे का भी संपर्क हुआ है और जल्दी ही सब लोग वापस आएंगे। शायद अजित पवार भी वापस आए, सरकार बनाएंगे और हमारी ही सरकार बनेगी। जो सरकार बनी है सुबह 7 बजे अंधेरे में, अंधेरे में सिर्फ पाप होता है महाराष्ट्र। आप खुद की सोचो, आपके पार्टी को बचाओ। ये चोरी, चोर जैसा बर्ताव जो आप कर रहे हो ना, चोर डकैत जैसा, वो आपको महंगा पड़ेगा। चंद्रकांत पाटिल, मुंह संभाल कर बात करिए, ये महाराष्ट्र है। तो अजित पवार जो है वापस आएंगे, ये विश्वास है, ये भरोसा जताया गया है संजय राउत की ओर से। कमल कौशिक का रुख करते हैं। कमल, संजय राउत जो है अभी भी उन्हें भरोसा है अजित पवार वापस आएंगे? बिल्कुल, अभी कुछ भी हो सकता है। शुक्रिया शीनम, आपने ये बड़ी खबर भी बताई और संजय राउत का बयान सुनाया गया है और कई बार मीडिया के सामने आ चुके हैं। देखिए, इंतजार कर रहे थे सुशील मोदी बिहार से भी कि कब संजय राउत बयान देंगे और क्या बयान देंगे, लेकिन क्या मालूम था कि उसके बाद शरद पवार भी सामने आएंगे। शरद पवार सामने आएंगे तो कहेंगे कि उद्धव ठाकरे के साथ मैं आकर बयान दूंगा।